सिद्धि, तुम मेरा सबसे कीमती खिलौना हो। तुम्हारे साथ खेलने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। जिस तरह मैंने सबके सामने तुम्हारे साथ पूजा की थी, उसी तरह तुम्हारे खूबसूरत पैरों की उंगलियों में मैं तुम्हें ये बिछिया पहनाऊंगा, लेकिन सबके सामने सबके सामने पहनाऊंगा। कैसे खुलेगा ये? ये सब तुम्हारे करीब आने की शुरुआत है सिद्धि, और मैं जितना जितना तुम्हारे करीब आते जा रहा हूं, मेरी बेकरारी उतनी ही बढ़ते जा रही है। और एक दिन मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाऊंगा, इतने करीब आ जाऊंगा कि तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। बस अब वो दिन आ गया है सिद्धि, जब मैं तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करूंगा और तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी करोगी। अरे जल्दी कर मूर्ख लड़की। सिद्धि, तूने मुझे बहुत डराया है ना, लेकिन मैं तुझे डराऊंगी नहीं, सीधे ऊपर पहुंचा दूंगी। खुल गया, खुल गया। माना कि ताई और मेरी नहीं जमती, लेकिन मैं हूं तो उनकी सगी बहन ना, मैं कैसे उनको मार दूं? सिद्धि बेटा, अगर जाप हो गया हो तो चल दिए की तैयारी कर ले। दीवा दीवा दीवा, ये दिल जला आशिक फिर अपनी माशूका को बचा ले गया, मैं क्या करूं इसका? विनायक देखो ना, सिद्धि तुम ठीक हो ना? इतनी छुपर नीचे कैसे आ गया? पीछे सिद्धि, तू ठीक है ना? रुद्र,
सिद्धि की जान बचा के तूने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया यार। मैं गुलाम हो गया यार तेरा। सुनो, वो सब छोड़ो, पहले सिद्धि को उसके कमरे में ले जाओ। देखो ना बेचारी कितनी डरी हुई है। जल्दी आओ विनय। आया मां। पता है कि ये सब तेरा किया तारा है। फिर बचा लिया सिद्धि को इस आशिक ने। इस बार भी इस रुद्र की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया। एक राई जैसा काम इस रुद्र की वजह से पहाड़ जैसा होता जा रहा है। इस बार भी मेरा वार खाली हो गया। लेकिन मेरा अगला वार मैं खाली नहीं जाने दूंगी और सिद्धि को बहुत जल्द उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। बोला था ना तुझे सिद्धि से दूर रहना, उसके आसपास भी मत भटकना। मेरी सिद्धि को जान से मारने की कोशिश की, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करूं। तू रुक तो सही, मार दूंगा तुझे, जिंदा मार दूंगा। रुक, तू छोड़ दे प्लीज। सिद्धि और विनायक एक हो चुके। सिद्धि पर विनायक की मोहर लग चुकी है। तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। पागल औरत, सिद्धि को रुद्र से कोई नहीं छीन सकता, समझी तू? यहाँ बैठो तुम आराम से। मैं ठीक हूँ। आराम से। तुम लोगों में पंखा बंद कर दो। फीनू क्या कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीचे झूमर गिरा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर फैन गिर जाएगा। सिद्धि पापा ने आज तुम्हें बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जिंदगी और मौत के बीच में एक लम्हे भर का फासला रह गया था सिद्धि। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा मैं। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे कारण धड़कता, तुम्हारे बिना नहीं धड़केगा ये दिल। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखो बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। I love you Siddhi. I love you a lot. ये बढ़िया, ये सही। विन को मार दो, सब कुछ खत्म, झंझट ही खत्म। अच्छा हुआ रुद्र समय पे आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता सिद्धि। रुद्र के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसका अपने आप को दोषी मानता हूं। आज रुद्र ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। वो अब मेरे लिए इंसान से फरिश्ता बन गया है सिद्धि। रास्ते से हटा, सिद्धि भी अकेली हो जाएगी और मैं भी अकेला। मैं तो अकेला ही हूँ। माँ, तू एक काम कर, तू फिर ना मेरी सिद्धि से शादी करा देना, है ना? धूमधाम से शादी करा, मैं दूल्हा बनूंगा, सहरा पहनूंगा और फिर सिद्धि के साथ सुहागरात भी मनाऊंगा। एक तो पागल मत बन। अभी तो 10 साल के बाद तू जेल से बाहर आए हैं, फिर से 14 साल के लिए अंदर जाना चाहता है। ये कमाल का आइडिया, सच में अब तो सिद्धि मुझे मिल जाएगी। मैं जानता हूँ सिद्धि, तुम रुद्र से अपसेट हो, थोड़ी सी नाराज हो, लेकिन उसने जो कुछ भी किया मैं उसे भूल भी नहीं सकता ना। तो प्लीज तुम एक बार रुद्र से मिलोगी, उसे 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 एक बार थैंक्स बोल दोगी, प्लीज प्लीज मेरे लिए सिद्धि। ठीक है,
अगर तुम कह रहे हो तो मिल लीजिए। थैंक यू सिद्धि। इतने साल हो गए शादी को, इतने सालों में शंकर ने भी मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी नहीं। अरे विनायक तो मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन पूछता है मुझे, मेरे पांव धो के पानी पीने को तैयार है, और आज मेरे सगे बेटे ने मेरी हालत बना दी। मैं ही पागल थी जो इस रुद्र नाम के सांप को घाट में उठा के लेके आई। हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीर अपने कमरे में लगाने की? मैं यहाँ पर तीनों के कहने पर तुम्हें थैंक यू कहने आई, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हें थैंक यू भी बोले। क्या कर दिया यार, इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत थी सिद्धि? दरअसल तुम्हें पता है कि मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम आ गई, और मैं भी जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम मुझे थैंक यू नहीं बल्कि तुम मुझे चूम लोगी, मुझे गले लगा लो। वहीं पे रुको, जो कुछ भी कहना है वहां पे खड़े रह कर कहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। घिन आती है मुझे तुम जैसे इंसानों से और तुम जैसे इंसानों की सोच से। ओके ओके धीरे, रिलैक्स, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, पर सिद्धि मैं जो भी बताने जा रहा हूं वो अच्छे से कान खोल के सुनना। वो जो आज तुम्हारे ऊपर झूमर गिर रहा था ना, वो अपने आप नहीं गिर रहा था, वो एक साजिश थी, तुम्हारी जान लेने की साजिश। What? और तुम्हें पता है वो जो साजिश थी ना वो किसकी थी? वो थी मेरी मां मंजरी कुंद्रा की। और तो और तुम्हें पता है उसके साथ तुम्हारी जो बहन है ना प्राची, वो भी शामिल थी। वो ऐसे कि उसी ने मां के कहने पे वो रस्सी ढीली कर दी थी ताकि झूमर तुम्हारे ऊपर गिर जाए। प्राची, माँ के साथ इस सब में शामिल है। और तुम्हें पता है मेरे अलावा इस घर में तुम्हारा अपना और कोई भी नहीं है, और तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अपनी माँ के खिलाफ भी जा सकता हूँ। माँ तो छोड़ो, सिद्धि, मैं पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकता हूँ तुम्हारे लिए। बोलो, चलोगी मेरे साथ? तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया बात आप ही कैसे सकती है? तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा गिरे हुए इंसान निकले। मैं यहाँ पर वीनू के कहने पर तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी, लेकिन तुम मेरी बद्दुआ के काबिल भी नहीं हो। सिद्धि, रुको, स्टॉप। तुम मुझे यहाँ थैंक यू कहने आई थी ना सिद्धि, और वो भी ऐसे खाली हाथों? वैसे कोई बात, थैंक यू कहने के और हजार तरीके होते हैं, तो बताओ ना सिद्धि तुम मुझे कैसे थैंक यू बोलोगी, क्या करोगी मेरे लिए? बताओ ना सिद्धि कैसे थैंक यू बोलोगी मुझे, बोलो ना। शुक्रिया गैरतमंद लोगों का किया जाता है, तुम जैसे जानवरों का नहीं। सिद्धि सिद्धि सिद्धि, तुमसे निराली तो तुम्हारी तस्वीर है सिद्धि, तुम्हें जितना चाहे प्यार करो, न गुस्सा है न गाली है। कब तक दूर भागोगी सिद्धि, कब तक मुझसे दूर भागोगी? एक न एक दिन तो तुम मेरी हो ही जाओगी। तुम अब देखना सिद्धि,
मैं तुम्हारे पास ही नहीं आऊंगा बल्कि अपनी छाप छोड़ दूंगा तुम पर, रुद्र की छाप। देख राजवीर, मुझे यह स्क्रिप्ट तेरे लिए बहुत कमाल की लग रही है। मैंने पूरी पढ़ ली है। मैं चाहता हूँ कि तू भी इसको एक बार पढ़ ले और मुझे बता कि तुझे कैसी लगी। ठीक है चाचा। क्योंकि इसमें एक दो सीन जो ऐसे हैं, पब्लिक को ऐसे पकड़ के रखने वाले हैं जो कि करण जौहर करता है। पर अभी भोजपुरी से जरा बाहर आ जा, ठीक है? वाह सिद्धि, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। गौरी भाभी थोड़ा तेल खत्म हो गया है, प्लीज जरा ला देंगे। जा प्राची, जाके सिद्धि के लिए तेल ला के दे। मैं? हाँ जा। ये गौरी भाभी को क्या हो गया? सुबह से मुझे अवॉइड कर रही है और अभी तो नजरें भी चुरा रही है। तेल मांगा तो प्राची से लाने के लिए बोल दिया, अब ऐसी क्या बात हो गई है? तुम्हें मेरे पास आने से भी घिन आती है ना? अब देखो मैं तुम्हारे कितने करीब आकर बैठा हूं। विन, सर बहुत फटा जा रहा है यार, कोई दवाई है क्या? अरे तुझे दवाई की जरूरत क्या है, तू एक बार सिद्धि से सर दबाओगे देख, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसी बात है, ठीक है तो फिर देखते हैं। लेकिन यार विन, सुन तू यहाँ बैठ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सिद्धि प्लीज रुद्र का सर दबा दो। क्यों? मुझे जाकर तुम्हारे कपड़े निकालने और बहुत सारे काम है। सुनो उसकी टेंशन लो, मैं ले लूंगा कपड़े। तुम रुद्र की मालिश कर दो बस। और सुनो, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, तुमको खानी है? नो। चलो ठीक है मात। अरे ये विन की जगह रुद्र कहाँ से आ गया? काई तेल ये यहाँ पे। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ लेकिन चालाक तो हूँ, लेकिन सिद्धि मैं तुम्हारा गुलाम बनना चाहता हूँ। छोटा